मुठभेड़ में शहीद जवानों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, कहा बंदूक से नहीं होगा विकास, पलामू और चतरा में की चुनावी सभा। नक्सलवाद को लेकर सरकार का दावा झूठा, गढ़वा में चुनावी सभा के दौरान सत्ता पक्ष पर हेमंत का हमला, एनडीए को बताया लुटेरों का गिरोह। पांच सालों में क्यों नहीं खत्म किया नक्सलवाद, लोहरदगा में भाजपा पर बरसे बाबूलाल, कहा नक्सलवाद आज भी सबसे बड़ी समस्या। पलामू के छतरपुर में सुदेश महतो ने की जनसभा, पार्टी प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर के लिए मांगा वोट, कहा समाप्त करेंगे सीओबी डियोराज। जेवीएम ने जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट, धनबाद से सरोज सिंह, झरिया से योगेंद्र यादव, टूडी से डॉक्टर सबा अहमद को टिकट। रिम्स में लालू से मिले बीजेपी एमएलसी टुन्नाजी पांडे, बेलहर विधायक रामदेव यादव और शिवहर से फारूक लतीफ शेख ने भी की मुलाकात। और नक्सली हमले में शहीद जवानों को डीजीपी ने दी श्रद्धांजलि, कहा कहीं भी छिपे हो नक्सली जरूर पकड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपन झारखंड में, मैं हूं आपके साथ क्षमा सोहेल। चलिए एक नजर डालते हैं पांच मिनट में 50 खबरों पर। देवघर से बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास लगातार कर रहे जनसंपर्क अभियान, लोगों से की वोट डालने की अपील। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन, तीन लोग कर सकते हैं मुलाकात, रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है लालू प्रसाद। लातेहार के चंदवा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एएसआई समेत चार जवान शहीद। चंदवा थाना से महज 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर रुकुइया मोड़ के पास नक्सलियों ने किया पुलिस के पीसीआर वैन पर हमला, 15 से 20 की संख्या में थे नक्सली। डीजीपी ने न्यू पुलिस लाइन में दी चार शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, डीआईएसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। चंदवा थानेदार की कार्यशैली पर उठा सवाल, खुफिया एजेंसियों ने नक्सली हमले का दिया अलर्ट, अलर्ट के बावजूद कैसे हुई घटना। लातेहार में नक्सली हमले में शहीद जवान शंभू प्रसाद का पार्थिव शरीर पहुंचा मनिका पात्रिक गांव, गांव में छाया मातम। लातेहार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए एएसआई शुक्रा उराव का पार्थिव शरीर उनका आवास पहुंचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लोहरदगा में वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से पुलिस ने 8,06,000 रुपए किया बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला में माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर, यात्री शेड में पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार की अपील, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हटाया पोस्टर। पलामू के छतरपुर में आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जनसभा को संबोधित किया, राधाकृष्ण किशोर के लिए मांगे वोट, कहा सीओ बीडीओ राज समाप्त करेंगे। गढ़वा में बड़ी संख्या में नगर परिषद के पार्षदों ने महागठबंधन को दिया समर्थन, गढ़वा प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर। जमशेदपुर के साक्षी में आभूषण के दुकान में इनकम टैक्स की छापेमारी, ज्वेलरी शॉप के मालिक पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप। आभूषण के साथ सोने के बिस्किट और कई महत्वपूर्ण कागजात और नकदी हुआ बरामद, 12 सदस्यीय टीम ने 4 दुकानों में की छापेमारी। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक कार से ले जा रहे 5,44,020 रुपए पकड़ बरामद किए गए। धनबाद पुलिस की मिली बड़ी सफलता, टुंडी में वाहन 49,00,000 रुपए जब्त, चेकिंग के दौरान वाहन से किया जब्त। स्वास्थ्य विभाग के दावे की खुली पोल, बगैर पैसे के महिला के पेट में खराब भ्रूण को निकालने से डॉक्टरों ने किया इनकार, 1,000 रुपए देने पर किया इलाज। और चलिए अब झारखंड की खबरों के लिए सीधा रुख करते हैं रांची के स्टूडियो, जहां इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद विजय सिंह मौजूद हैं। ओवर टू यू आनंद जी। शुक्रिया शमा, और चलिए झारखंड की खबरों का
की शुरुआत करते हैं। और चुनाव चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है, पहले और दूसरे दौर के लिए प्रचार तेजी से हो रहा है। और इस बीच जो बाकी सीटें बची हैं, जहां पर जिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, वो प्रक्रिया भी अभी भी जारी है। और इसी क्रम में झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी की पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा, उसने अपने 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। झारखंड से अगर हम बात करें 5वीं सूची में, तो रामगढ़ से मोहम्मद आरिफ अहमद कुरैशी को जेवीएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बेरमो से रामकिंकर पांडे, देवघर से निर्मला भारती, गिरिडीह से चुन्नूकांत प्रसाद, धनबाद से सरोज सिंह, झरिया से योगेंद्र यादव, टूंडी से डॉक्टर सबा अहमद, राजमहल से राजकुमार यादव, बोरियो से बाबूराम मुर्मू, बरहेट से होकना टुडू, लिट्टीपाड़ा से रस्का हेम्ब्रम, नाला से पुष्पा सोरेन, जामताड़ा से डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी, महेशपुर से शिवधन हेम्ब्रम और जमुआ से चंद्रिका मेहता को जेवीएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 15 सीटों पर 5वीं लिस्ट जेवीएम ने अपने उम्मीदवारों की जारी की है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि रामगढ़ से मोहम्मद आरिफ अहमद कुरैशी, बेरमो से रामकिंकर पांडे, देवघर से निर्मला भारती, गिरिडीह से चुन्नूकांत प्रसाद, धनबाद से सरोज सिंह, झरिया से योगेंद्र यादव, टूंडी से पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद, राजमहल से राजकुमार यादव, बोरियो से बाबूराम मुर्मू, बरहेट से होपना टुडू, लिट्टीपाड़ा से रस्का हेम्ब्रम, नाला से पुष्पा सोरेन, जामताड़ा से डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी, महेशपुर से शिवधन हेम्ब्रम और जमुआ से चंद्रिका महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। 5वीं सूची में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज झारखंड विकास मोर्चा ने किया है। विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद आरिफ अहमद कुरैशी, बेरमो रामकिंकर पांडे, देवघर निर्मला भारती, गिरिडीह चुन्नूकांत प्रसाद, धनबाद सरोज सिंह, झरिया। और उधर चतरा के कुंदा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा के चंदवा में नक्सलियों के मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बंदूक से विकास नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 सालों में सरकार ने झारखंड की तस्वीर बदली, 40 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, बिजली की कमी जल्द पूरी होगी और आने वाले समय में गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी। आने वाले समय में इटखोरी में विदेशी सैलानी भी आएंगे। मुख्यमंत्री ने कुंदा के महादेव मठ को भी विकसित करने की बात कही। या मेरा व्यक्तिगत मानना है, बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और अभी 70 ग्रीन पूरे राज्य में बन रहा है, 200 से ज्यादा सब स्टेशन बन रहे हैं। दिसंबर तक 80% ग्रीन और सब स्टेशन का निर्माण हो जाएंगे और अप्रैल तक जो छूटे ग्रीन सब स्टेशन निर्माण हो जाएंगे। और इस तरह गांव में भी हमारी सरकार 24 घंटा बिजली। और इस बीच चुनावी सभाओं का दौर भी चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार अपने उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। पहले दौर में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है 13 विधानसभा क्षेत्रों में, पलामू के इलाके में। और आज मुख्यमंत्री उस इलाके में थे। पांकी विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के उम्मीदवार शशि भूषण मेहता के पक्ष में वोट की अपील की। एक चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और पांकी के सिंचाई मैदान में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। और इस सभा में उनके साथ सरकार बिहार सरकार में मंत्री और झारखंड के उपचुनाव प्रभारी नंद किशोर यादव भी मौजूद थे। और इस चुनावी सभा में
पांकी से बीजेपी के उम्मीदवार शशि भूषण मेहता के पक्ष में वोट की लोगों से अपील की। हम आपको बता दें कि शशि भूषण मेहता अभी पार्टी में नए ज्वाइन किए हैं और उनको टिकट पार्टी ने दिया है और उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए आज मुख्यमंत्री पांकी में जनसभा कर वोट। आज ये कानून का देश के अंदर दो प्रकार के कानून थे, भारत की संसद में पास किया गया सबका सब कानून कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, एक सबसे अधिक कानून कश्मीर में लागू नहीं होते थे, उच्चतम न्यायालय के सारे फैसले कश्मीर में लागू नहीं होते थे, दो प्रकार का संविधान, दो प्रकार का झंडा इस भारत की भूमि में, देश के अंदर दो प्रकार के कानून थे। और कानून में कैसा, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भारत विभाजन हो गया, कश्मीर जब भारत का अंग बना रहा, उस समय बड़ी संख्या में लोग ले जाए गए, अनुसूचित जाति के लोग कश्मीरियों के शौचालय को साफ करने के लिए, वहां की गंदगी की सफाई के लिए हमारे अनुसूचित जाति के दलित भाइयों को ले जाया गया कश्मीर। और जो कानून बनाया वहां, जो कश्मीर में कानून था आज से दो महीना पहले तक, उस कानून के अनुसार 70 साल बाद वो जो दलित परिवार का आदमी था वो केवल सफाई का काम करता था, उसका बेटा पढ़ लिख गया, बीए हो गया, एमए हो गया, फिर उसके बेटे को झारखंड में रांची में, भाई प्रधानमंत्री बार बार एक ही राज्य में क्यों जाता है, क्या मतलब है भाई, क्या कारण है? माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच की सोच है, अगर देश को विकास के रास्ते पे आगे ले आना है तो देश के पूर्व हिस्से का विकास करना पड़ेगा, जो देश का पश्चिमी हिस्सा है वहां तो विकास की गति तेज हो गई, लेकिन जो पूर्व हिस्सा है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, सरकार कहती है कि राज्य से नक्सली खत्म हो गए तो फिर ये हमला क्या था। कहा कि 5 चरण में चुनाव कराने के पीछे झारखंड में नक्सलवाद का होना ही है, और साथ ही साथ कहा कि सरकार नक्सलियों से लोहा लेने के लिए दक्ष जवानों को नहीं बल्कि होमगार्ड को भेजती है, नतीजा ये हुआ कि वो मारे जाते हैं। हेमंत सोरेन गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे अपनी पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में। उन्होंने कहा कि अमित शाह के झारखंड दौरे पर भी तंज कसते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के गृह मंत्री जब झारखंड में आते हैं तो किसानों को बहुत फायदा दे दिए जाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी जब किसानों के खेत बंजर पड़े हुए हैं तो आखिर वो करोड़ों रुपए कहां गए। एनडीए गठबंधन को हेमंत ने लुटेरों का गिरोह बताया। हमारे कितने सिपाही की जाने चली और तो और इन बेईमानों ने ऐसे ऐसे पुलिस सिपाहियों को उस मुहिम में भेजने का काम किया जो नक्सल से लड़ने की दक्षता नहीं रखते, होमगार्ड को भेज दिया और ये नक्सल मुक्त झारखंड कहते हैं। हमसे रोज पूछा जाता है मीडिया के माध्यम से, मैं उनको स्पष्ट रूप से कहता हूं 5 चरणों का चुनाव ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि राज्य की हालात ठीक नहीं है। आज 5 सालों में इन्होंने विकास काम छोड़कर बाकी सारा कर्म। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। दुबारा भैया थोड़ा हमको बाजार तक छोड़ दीजिएगा। हाँ, कहे नहीं, बैठिए। सुने थे शाम में झारखंड सेफ नहीं है, लगता है काफी साल बाद आ रहे हैं। चल गया वो सब दिन जब सांझ को लोग निकल नहीं पाते थे, जब हर कहीं नक्सली हमला हुआ करता था, रोज बंदिये हुआ करता था। अच्छा, हाँ। तो अब सेफ कैसे हो गया? हजारों दरोगा पुलिस बढ़ा दिए गए हैं, बम निरोधक दस्ता भी बढ़ा दिए गए, दिन रात एक किए हैं, तब जाके आज नक्सली हमला लगभग खत्म सा हो गया, समझे? अरे पर ये कमाल हुआ कैसे? दोबारा यही कमाल हुआ है भैया, कमल से। अब भाजपा दोबारा, बिरसा मुंडा का कसम। झारखंड पुकारा, भाजपा दोबारा, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। देखो भाजपा दोबारा। ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, और हाँ, नकालों से सावधान रहें। ग्रोमेट
देख कर खरीद। आ रही है कांग्रेस, हर आदिवासी की आवाज हो बुलंद। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड। कांग्रेस को वोट दें। हम खाते हैं अपनी पसंद का, हम पहनते हैं अपनी पसंद से, तो फिर अपना जनप्रतिनिधि क्यों ना हो मनपसंद, जिसमें हो हमारे वर्तमान को समृद्ध करने का हौसला और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की सोच। ये संभव भी है और है बहुत ही आसान। करना है आपको बस इतना, चुनाव के दिन जरूर करने जाएं मतदान। सुने अपने दिल की और चुने उसे जो लगे आपको सही। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक। आ रही है कांग्रेस, हर महिला का सम्मान रहे अखंड। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड। कांग्रेस को वोट दें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना, आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाईकोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। आ रही है कांग्रेस, ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। जल, जमीन, जंगल से अपना खिलवाड़, हर कदम पे प्रगति पथ के खुलेंगे द्वार। भ्रष्टाचारी सोच को तो गहरी देंगे घाट, जन मन में मियाए नहीं माने अब दहाड़। लोकतंत्र है ना सहेंगे कोई घमंड। आ रही है कांग्रेस, कांग्रेस को वोट दें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं झारखंड की खबरों का बुलेटिन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात लोहरदगा की, जहां की एक चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब रघुवर दास कहते हैं कि नक्सलवाद विपक्ष की देन है, तो 5 सालों में रघुवर दास की सरकार ने नक्सलवाद को खत्म क्यों नहीं किया। चंदवा में हुई घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि नक्सलवाद आज भी है और ये सबसे बड़ी समस्या है। चुनाव की घोषणा के समय ही चुनाव आयोग ने 5 चरणों में चुनाव कराने का फरमान सुनाकर सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह जनादेश का अपमान है। बाबूलाल ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल भी उठाए। अरे भैया, तो 5 साल से का कर रहे थे, वो 5 साल से कुछ झाल बजा रहे थे कि 5 साल में तो उनको समाप्त करना चाहिए था सब कुछ। अब उनको कितना समय चाहिए? लोकतंत्र में 5 साल के बाद ही चुनाव होता है, 5 साल पर चुनाव होता है, तो 5 साल वो क्या कर रहे थे बताना चाहिए उनको। 5 साल सोए हुए थे कि। और पलामू के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने एक जनसभा को संबोधित किया अपने उम्मीदवार के समर्थन में। यहां से आजसू के उम्मीदवार हैं राधा कृष्ण किशोर, जो बीजेपी छोड़कर आजसू में शामिल हुए और आजसू ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। उनके पक्ष में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने एक चुनावी सभा को संबोधित कर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड में अब की बार गांव की सरकार बनेगी, सीओ और बीडीओ राज समाप्त होगा। बनना है घर हमको मिले, किसी और व्यक्ति को संघर्ष परिवार को अगर मिलता है और गरीब को ना मिलता है तो ये बात सीखता है। मेरे पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा बदलाव कुछ होगा तो वही होगा कि अदना सा व्यक्ति भी जाके दरोगा से मिल सकता है और ये दरोगा राज और सीओ बीडीओ राज
सुदेशमा को खत्म करेगा और जनता राज बहाल करेगा। रूप से चेयर में बैठने वाला व्यक्ति जब तक मजबूत नहीं होगा वो विधान का वो मंदिर मजबूत नहीं हो सकता। उत्तम इस न्याय के मंदिर में आपको अपना रजमा भेजना है और राधा कृष्ण किशोर जी हमारे लिए इस मानक में सबसे उचित व्यक्ति और व्यक्तित्व है जिसे आपको। और बात अब जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं छठी बार, वहां से चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे सरयू राय बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और आज इन दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प हुई। रघुवर दास और सरयू राय के समर्थक आपस में भिड़े। चुनाव प्रचार के दौरान रघुवर दास के समर्थकों ने सरयू राय का आरोप है कि उनके समर्थकों पर पत्थरबाजी की, हमला किया, उनके ऊपर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। इसके बाद सरयू राय और मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है रघुवर दास और सरयू राय के समर्थकों की भीड़ की। सरयू राय अपने चुनाव कैंपेनिंग में थे और इसी दौरान मुख्यमंत्री के भी समर्थक आ गए और उन लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों के समर्थकों के बीच जमकर आपस में झड़प भी हुई। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहाने उठना है जल्दी खेत जाने के लिए। अरे दीदी चल के लो दीदी, जब बिहाने सूरज उगने के पहले खेत जाना पड़ता था। वो देखो शौचालय, ई कब हुआ भौजी? 2 साल पहले। और वो देखो उज्ज्वला, आहा पूरा घर चमक रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, राज कहाँ छुपा रखा है भौजी? मुट्ठी में दिखाओ दिखाओ। ओहो हो तो भाजपा दोबारा, कसम उज्वला के दीदी। झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना? आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। आ रही है कांग्रेस, हर झारखंड वासी की आवाज हो बुलंद। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड, कांग्रेस को वोट दें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना? आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। आ रही है कांग्रेस, किसानों की कर्ज माफी का हो प्रबंध। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड, कांग्रेस को वोट दें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना? आशियाने के पास ही चाहते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। देवघर से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण दास भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और साथ ही लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। नारायण दास ने कहा कि इस बार देवघर विधानसभा से बीजेपी जीतेगी। जिस प्रकार मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, जिसकी वजह से उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सोलह दिसंबर को यहाँ चुनाव है, 27 को नॉमिनेशन करने के लिए हम जाएंगे, तो
तो लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि मेरे नॉमिनेशन में संख्या बल ज़्यादा हो, और जिस सोच के साथ झारखंड विकास कर रहा है, विकास के पटरी पर दौड़ रहा है, देश को दुनिया में स्थापित मोदी जी ने किया है, और लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो इस बात का संकेत है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, और जिस गति से विकास हो रहा है उस गति से विकास होगा। और मैं भी 5 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा हूँ, और लोगों का जो रुझान है। गढ़वा में बड़ी संख्या में नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस दौरान कुल 21 में से 16 पार्षदों ने महागठबंधन को समर्थन दिया, और इसके बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और गढ़वा के उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर ने सभी का स्वागत किया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विचार नेताम ने डॉक्टर उरांव को 21 नवंबर को इस पद पर नियुक्त किया। राज्यसभा के सांसद नेताम ने डॉक्टर उरांव को संबोधित पत्र में कहा है कि पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर अरुण उरांव को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर नेताओं समेत अन्य बीजेपी के नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने उन्हें बधाई दी और कहा है कि डॉक्टर उरांव की योग्यता और अनुभव से मोर्चा को नई ऊर्जा मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए, खबरों के नए सिलसिले के लिए आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।